अरे गुस्सा मत करो, अपने बात सुनो, तुमको किसने मारा ये बताओ पहले। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जिसको करने में जो कर रहे हैं उसे क्या हो गया पहले? ये करोड़ों प्यार करते हैं, एक ने नफरत कर दिया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कहेगा वह क्या हो गया? ना ना कुछ नहीं नेताजी, शायद कोई जानते ही है, एक ना एक लोग तो होते हैं ना ऐसे, कोई शायद चप्पल पर फेंक दिया था, वो डांस कर रही थी तो एक बार फेंका था, फिर दूसरा बार भी फेंक दिया था शायद, तो वो देखिए हम तो देखे भी नहीं, गाने में बिजी थे। अच्छा वो आर्टिस्ट है, जिस तरह वो आर्टिस्ट है आपके घर में भी हर परिवार में लोग होते हैं, पता नहीं आपको देखा नहीं है? हमारी धरती है, ये हमारे भगवान है और इनके लिए भैया कोई आपके बगल में इस तरह का काम कर रहा था उसको आप लोग पकड़े भी नहीं? चलिए कोई बात नहीं, हम अच्छा दूसरा चीज आप बदनाम कराते हैं भाई, दूसरी चीज की हाँ जिया जी, मैं पर्सनली आपसे क्षमा मांगता हूँ मेरे दर्शक के साथ, क्योंकि मैं भी एक बेटा हूँ। अच्छा क्या हो गया यार जिया जी, जिया जी को इतना रिएक्शन नहीं देना? हाँ कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, हम चाहेंगे कि जिया जी मंच पे आ जाए, जिया जी प्लीज आ जाए। देखिए एक बात आपको बता दूं, जिया एक बहुत अच्छी कलाकार है और बहुत दिनों से भोजपुरी भाषा को सेवा कर रही है, हर मंच के टॉप कलाकार है वो, उसने अपने मेहनत से अपना नाम बनाया है, उसको अगर खराब लगा वो ध्यान भी दी हमको तो पता भी नहीं है। हाँ कोई भी किया है उसको मैं सही बात करना चाहूंगा। अरे ठीक भाई, इतना करो तारक प्यार करता हूँ, आई लव यू राकेश बाबू, आई लव यू तो होके हो गीत गाऊंगा।